कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज करनाल में बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। कई जगह बाजार बंद दिखे तो कई जगह बाजार खुले भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बाजारों में जाकर दुकान व संस्थान बंद करवाते हुए दिखाई दिए। किसान नेताओं ने कहा कि अब किसानों के साथ आम आदमी और दुकानदार को भी साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि इन कृषि कानूनों से सभी को नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने कहा कि पिछले लगभग 4 महीने से किसान दिल्ली में अनशन पर बैठे हुए हैं, परंतु केंद्र की सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही, जिसके चलते आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें दुकानदारों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज दुकानदार स्वयं ही किसानों के समर्थन में आकर दुकान बंद करते हुए दिखाई दिए। बहुत ज्यादा लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है, शहर वालों का, करनाल शहर वालों का बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। जो कच्चेधारी है ना, जो मोदी भगत है, जो खच्चर आदमी, खच्चर के आदमी है, दुष्ट के आदमी है, सिर्फ वो थोड़ी सी मरोड़ में है, दूसरे हमारा साथ दे रहे हैं। आज कहाँ कहाँ गए आप? आज हम सारा करनाल में गए हैं, सारा बाजार बंद है जी, जितना भी मेन बाजार है सारा। सक्सेसफुल रहा आज आपका? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सहयोग किया बाजार वालों ने हमारा, लेकिन हम हाथ जोड़ के बेनती करते भी ऐसा सहयोग रहेगा ना, अकेले को रोना नहीं पड़ेगा हमें। जैसे वो LIC वाले रो रहे हैं, बैंक वाले रो रहे हैं, एयरलाइन वाले रो रहे हैं, सारे रो रहे हैं ना अकेले। ये हमारी अकेलों की लड़ाई नहीं है, सारे सबकी जन की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है सारी। क्या नाम? ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।